सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 सदस्यीय केंद्रीय दल के अधिकारियों ने मरवाही तहसील के चना डोंगरी तेंदुमुड़ा में फसलों की स्थिति का जायजा लिया। अल्प वर्षा के कारण नुकसान के बारे में किसानों से चर्चा कर विस्तार से जानकारी ली। अध्ययन दल ने पेयजल, पशु चारा और निस्तार के लिए पानी की उपलब्धता के बारे में भी ग्रामीणों से जानकारी ली। नीति आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डॉ. रामचंद्र के नेतृत्व में केंद्रीय अध्ययन दल में वरिष्ठ IAS आर टुटेजा, भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक CP सहारा और वित्त विभाग के सहायक संचालक DK मिश्रा शामिल थे। वहीं संभाग के कमिश्नर सोनमणि बोरा, कलेक्टर अम्बलगन पी भी इस दौरे पर थे। जो सूखाग्रस्त घोषित किए गए एरियाओं को देखने के लिए केंद्रीय दल आया हुआ था, तो हमारा जिला प्रशासन तरफ से हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से हम 4-5 गाँवों को उनको दिखाया है, और क्योंकि उतना ही समय था उनके पास, और वो खेतों में देखे हैं, लोगों से बात किए हैं, किसानों से बात किए हैं, और वहाँ पर जिस प्रकार के प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कहीं पे दिखता है दान हुआ जैसे, लेकिन एक्चुअली उसको निकाल के देखेंगे तो उसमें केवल वो है, ऊपर का ऊपर चीज़ें, अंदर कोई उसमें राइस बना नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है। ड्रिंकिंग वाटर का भी इश्यू है, तो आगे चल करके ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम अग्रवेट हो सकता है, तो उसको लेकर के जो कार्य योजना बनाया गया है उससे भी उनको अवगत कराया गया है। जानवरों के लिए चारा का प्रॉब्लम होगा, और जानवरों के लिए पानी की भी समस्या होगी, ये सब चीज़ों से हमने अवगत कराया। और जितना अभी तक हम काम कर रहे हैं NREGS से लेके बाकी में जितने लेबर काम कर रहे हैं, इससे भी उन्होंने अवगत हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनका रिपोर्ट जल्दी केंद्र सरकार को सौंपेंगे, तो इससे फिर आगे हमको 3 गांव का हमने कराया है। वैसे वो पूरा क्षेत्र एकदम सूखा है, मतलब वो उनके पास लिमिटेड टाइम में जितना देख पाए हैं, वो एक सैंपल जांच जैसे उन्हें करने के लिए आए हैं। राज्य शासन के साथ संपर्क में हैं, और जैसे ही उसका मिलेगा उसी से ही मैं अवगत करा पाऊँगा। अपने जिला स्तर से हम अनुसंधान पहले ही भेज चुके हैं।